राधे राधे एवरीवन, अन्नपूर्णा क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। तो गर्मी बहुत है तो कुछ ठंडा ठंडा पीने का दिल करता है, और इस समय मौसम हरा भरा, पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, फूल, हरे भरे पौधे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लीची का स्क्वैश। तो उसको आप 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं, और लीची सिर्फ महीने या 2 महीने ही रहते हैं। तो फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं, और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और सबको पिलाइएगा। तो यहाँ पर ये लीची है, और इसको हम पील करके इसका गूदा निकाल लिया, इसके बीज हटा दिए। तो ये कम से कम 250 ग्राम्स लीची हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन पे चढ़ाते हैं हम इसमें चीनी। हम ये शुगर सिरप तैयार कर रहे हैं 1 तार की चाशनी। तो गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे, और चीनी का इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, और फिर इसको चलाते रहेंगे। हमें यहाँ पर 1 तार की चाशनी चाहिए, चलाते रहेंगे ताकि चाशनी बहुत कम है तो क्रिस्टल ना जम जाए शुगर के, इसे चलाते रहेंगे बार बार। और जो हमने इसको पील किया था, इसको हम इसका पल्प बना लेंगे, यानी इसको मिक्सर में पीस लेंगे। देन इसको चलाते रहेंगे, और जितने भी इसमें शुगर्स है वो सारी मेल्ट हो जानी चाहिए, मेल्ट हो जाएगी। और 1 तार की चाशनी हमको चाहिए। अभी देखिए हुई नहीं है, और चाशनी में उबाल आ चुका है, बबल्स बन रहे हैं। इसमें हम ये हमारा पल्प तैयार हो गया है, तो इसको चलाते जाएंगे ताकि नीचे से लग न जाए, क्योंकि हमारी चाशनी बहुत कम है। और इसमें हम डालेंगे आधा नींबू का रसा। यहाँ पर जो हम स्क्वैश बना रहे हैं उसमें हम कोई भी कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही कुछ कोई भी केमिकल यूज़ कर रहे हैं। ये एकदम नॉर्मल और हेल्थी है, एकदम नेचुरल है। इसको आप कोल्ड ड्रिंक की जगह पी सकते हो, बच्चों को रसना की जगह आप ये नेचुरल चीज़ दीजिए। बहुत ही फ्लेवर्ड है, काफ़ी अच्छी है, पसंद आएगी आप सब लोगों को। तो इसमें बबल्स हो गए हैं, तो अब हमारी चाशनी कंप्लीट। इसके बाद हमने जो पल्प बनाया था लीची का वो डाल दिया। अब इसमें उबाल आने तक हम चलाते रहेंगे, और इसको हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है तो एकदम थिक हो जाएगा। इसको 5 से 7 मिनट तक के बीच में हमें पकाना होगा। इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव कलर का यूज़ नहीं किया है, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो अनहेल्थी हो, एकदम नेचुरल है। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्क्वैश का जो डो है वो तैयार हो गया है लिक्विड। अब यहाँ पर हम एक कंटेनर लेंगे, एयर टाइट कंटेनर में। इसको 1 महीने तक के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। इसको आप फ्रिज में रखिए, जब भी आपको पीना हो ग्लास में डालिए, ठंडा पानी डालिए, बर्फ़ डालिए, पी लीजिए। तो हमने एयर टाइट कंटेनर रख लिया। अब हमने एक गिलास लिया है, देन अब हम इसको बनाते हैं अपने ड्रिंक को। तो यहाँ पर हम 2 से 3 टीस्पून डालेंगे अपना लिक्विड, और यहाँ पर एकदम ठंडा ठंडा पानी का यूज़ करेंगे। और इसके बाद डालेंगे क्रस्ट आइस। तो यहाँ पर हमारा स्क्वैश हो गया है रेडी। देखिए बनाने में बहुत आसान है, आप बना के रख लीजिए। छुट्टियाँ चल रही हैं समर्स में, आपके बच्चे आपको बना बना के पिला लेंगे, उनको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।